हेलो फ्रेंड्स, इसी दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने काइंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेके आया हूं। काइंड, इन काइंड, काइंड्स ऑफ, तो ये काइंड्स के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग समझें कि इन काइंड और काइंड को हम लोग कितने प्रकार से यूज करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसा होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक रहें, उसकी एक एक बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें और प्रैक्टिस करने के बाद बोलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, समझते हैं कि इन काइंड का मतलब क्या होता है। मैं इन काइंड के अलावा काइंड से रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज मेरा वीडियो बीच में नहीं छोड़ेंगे और आखिर तक इसे देखेंगे। तो पहला है इन काइंड। इन काइंड का मतलब हो रहा है इन द सेम वे, उसी प्रकार, विथ समथिंग सिमिलर, विथ समथिंग सिमिलर, उसी प्रकार, उसी के जैसे। द फ्रेज इन काइंड हैज टू मीनिंग्स, टू डेफिनेशंस। फर्स्ट, इट मीन्स इन गुड्स। तो इन काइंड के दो मीनिंग हो रहे हैं, दो डेफिनेशंस हो रहे हैं, दो परिभाषाएं हैं इसकी, दो अर्थ निकल रहे हैं। फर्स्ट, इट मीन्स इन गुड्स। पहला अर्थ हो रहा है गुड्स में, चीजों में, रेदर देन इन मनी, मनी की अपेक्षा चीजों में। पे इट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेस, मतलब किसी को पैसा ना देना बल्कि कुछ सामान दे देना या उसके कुछ सेवा कर देना, उसको कुछ ऐसी अपनी सेवाएं दे देना। एंड नॉट मनी, पैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू डोंट हैव मनी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ कॉज, अगर आपके पास किसी काम के लिए पैसा नहीं है, इफ यू डोंट हैव मनी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ कॉज, किसी काम के लिए पैसा नहीं है, यू माइट इंस्टेड गिव एनीथिंग लाइक मोबाइल, तुम आप उसे कुछ और दे सकते हो, जैसे कि मोबाइल दे सकते हो, बाइक दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो, और भी कुछ दे सकते हो, और सो इस प्रकार की और भी बहुत सारी बातें दे सकते हो आप इसको, और भी बहुत सारी चीजें दे सकते हो, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, तो आप बोलेंगे आई विल गिव यू इन काइंड। मतलब इन काइंड का मतलब यहां हो रहा है पैसों के अलावा कुछ और देना, सामान देना या सर्विसेज देना। नेक्स्ट होगा दोस्तों, इन काइंड मीन्स रिपेड इन द सेम मैनर, उसी प्रकार सामने वाले को भुगतान करना, सामने वाले को देना उसी प्रकार। एक तो पैसे के अलावा देना, और एक होता है कि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे, तब भी हम लोग इन काइंड का यूज करेंगे। जैसे इफ यू इनवाइट मी फॉर द डिनर, अगर आप मुझे डिनर के लिए बुलाते हो, इफ यू इनवाइट मी फॉर द डिनर, अगर आपने, इफ यू इनवाइटेड मी फॉर द डिनर, अगर आपने मुझे डिनर के लिए बुलाया, आई वुड इनवाइट यू इन काइंड, मैं भी तुम्हें डिनर के लिए बुलाऊंगा। तो यहां पर मतलब हो रहा है आई वुड इनवाइट यू इन काइंड और फॉर द डिनर, मतलब यहां पर इन काइंड का मतलब हो रहा है कि तुमने मुझे डिनर के लिए बुलाया तो मैं भी तुम्हें डिनर के लिए बुलाऊंगा। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस इनवाइट में मैंने पास सिंपल किया है, सेकंड फॉर्म लगाया है, इसलिए यहां पर वुड का यूज किया गया है, विल का नहीं किया गया। अगर हम लोग इसको ऐसे बोलते, इफ यू इनवाइट मी फॉर द डिनर, आई विल इनवाइट यू इन काइंड फॉर द डिनर, तो अगर मैं पहले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाता तो मुझे अगले सेंटेंस में विल लगाना होता, लेकिन यहां पर मैंने सेकंड फॉर्म किया था। अब दोस्तों, कुछ सेंटेंस लेते हैं, समझते हैं कि इन काइंड का मतलब क्या हो रहा है। इफ यू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, वी विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन काइंड, अगर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करोगे तो हम भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। वी विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन काइंड, हम भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, इन द सेम वे, उसी तरह, या फिर जिसको हम लोग पॉजिटिवली कह सकते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं बोला वी विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, ना बोलते हुए हमने बोल दिया वी विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन काइंड या इन द सेम वे। तो इन काइंड का मतलब हो रहा है इन द सेम वे, या फिर वही जो आपने किया। नेक्स्ट, मेनी कंपनीज डोंट गिव मनी टू देयर एम्प्लॉइज बट पे इन काइंड, बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मनी नहीं देती है बट पे इन काइंड, बल्कि चीजें देती है, बट पे इन काइंड, चीजें देती है लाइक गिफ्ट और अदर फैसिलिटीज, या तो गिफ्ट देती है, तोहफे देती है, या फिर दूसरी सुविधाएं देती है। तो यहां पर भी इन काइंड का मतलब क्या हो गया, चीजें हो गया, या फिर दूसरी सुविधाएं हो गया, सर्विसेस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया बैन चाइनीज आइटम्स, इंडिया ने चाइनीज आइटम को बैन कर दिया, एंड चाइना ऑल्सो बैन इन काइंड, चाइना ने भी उसी प्रकार किया, चाइना ने भी वैसा ही किया। इन द सेम वे मीन्स इंडियन आइटम्स को उसने बैन कर दिया, तो हम लोग को यह भी कह सकते थे, हम लोग इंडिया बैंड चाइनीज आइटम्स एंड चाइना ऑल्सो बैंड इंडियन आइटम्स,
तो हमने चाइना बैंड इंडियन आइटम्स ना बोलते हुए हमने कह दिया चाइना आल्सो बैंड इन काइंड या चाइना आल्सो बैंड इन द सेम वे, ये ना बोलते हम लोग उसको शॉर्ट में कहेंगे इन काइंड। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आया, इन काइंड का मतलब होगा इन द सेम वे या विथ समथिंग सिमिलर, ठीक है। यस, ये दो अर्थ में यूज किया जा रहा है, पैसा ना देते हुए सर्विसेज देना या चीजें देना या उसी प्रकार करना जैसा कि सामने वाले ने हमारे साथ किया, तब आप इन काइंड का यूज करेंगे। बहुत बढ़िया फ्रेज था दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करें और बोलने की कोशिश करें। अब मैं आपको काइंड के कुछ अलग अर्थ बता रहा हूं जो दयालु के भी अर्थ में आता है, मेहरबानी करके के अर्थ में भी आता है। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज नॉट काइंड टू हिम, वह उसके प्रति दयालु नहीं है। शी इज नॉट काइंड टू हिम, दोस्तों यहां पर काइंड टू हिम आएगा, आप काइंड ऑफ हिम नहीं लगाएंगे, काइंड विथ हिम नहीं लगाएंगे, काइंड फॉर हिम नहीं लगाएंगे, क्योंकि काइंड का जो प्रेपोजिशन होता है वो टू होता है, इसलिए हमने कहा है शी इज नॉट काइंड टू हिम। अगला सेंटेंस इसी के जैसे, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। यहां पर भी हमने टू एनिमल्स बोला है काइंड टू, न कि काइंड फॉर बोला है, काइंड विथ बोला है। काइंड विथ एनिमल्स नहीं बोलेंगे, काइंड टू एनिमल्स होता है, क्योंकि काइंड के साथ प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार काइंड का अपोजिट होता है क्रूएल, तो क्रूएल के साथ भी हम लोग टू का यूज करेंगे। जैसे अगला सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, तुम जानवरों के प्रति निर्दयी हो, तुम जानवरों के प्रति निर्दयी हो, बेरहम हो, तब हम बोलेंगे यू आर क्रूएल टू एनिमल्स, यू आर क्रूएल टू एनिमल्स, यहां पर भी टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिसलॉयल टू, हेटफुल टू, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इनवाइट टू भी होता है। तो ये आप प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि कहां टू आता है, कहां विथ आता है, कहां फॉर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, काइंडली परमिट मी टू लीव द क्लास, मेहरबानी करके मुझे क्लास छोड़ने की अनुमति दीजिए, मेहरबानी करके मुझे क्लास से जाने की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, तब हम लोग बोलेंगे काइंडली परमिट मी टू लीव द क्लास। काइंडली हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें, जहां जहां प्लीज का इस्तेमाल करते हैं वहां आप काइंडली कह सकते हैं सामने वाले से कोई काम करवाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मेरी मदद की। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी मदद की, ये सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू इन्वाइट मी टू योर बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया, या आप मुझे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हो। एज पर द टेंस हम लोग उसको अपने हिसाब से बोल सकते हैं, यहां पर पास्ट टेंस नहीं था, तो करते हो या किया। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू इनवाइट मी टू योर बर्थडे, तो यहां पर टू के साथ वैसी फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए मैंने यहां पर इनवाइट का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई वाइफ डज नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ, मेरी पत्नी इस प्रकार का जीवन नहीं चाहती है, इस प्रकार की लाइफ नहीं चाहती है, वो कुछ और लाइफ चाहती है, कुछ हटकर चाहती है, तब हम बोलेंगे माई वाइफ डज नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ, आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ, ना बोलते हुए हमने क्या बोला, आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ, यू इंजॉय दिस काइंड ऑफ लाइफ, आप इस प्रकार के लाइफ को बहुत इंजॉय करते हो। तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, कई बार आप लोग ऐसा बोलते हुए सुनते हैं लोगों के मुंह से। नेक्स्ट, वॉट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर, वॉट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर, आप किस प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं भाई, काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं, आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो मुझे बताइए आप किस प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, वॉट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर, तब हम लोग बोलेंगे इस प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, प्लीज कीप क्वाइट आई नो योर काइंड, मेहरबानी करके चुप रहो, मुझे पता है तुम किस प्रकार के आदमी हो, मुझे पता है तुम किस किस्म के आदमी हो, प्लीज कीप क्वाइट आई नो योर काइंड, ओके, ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारा काइंड पता है, मुझे तुम्हारा जो किस्म है, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, ये मुझे पता है, इसलिए प्लीज कीप क्वाइट आई नो योर काइंड। शी लाइक्स ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, वह हर प्रकार के स्पोर्ट्स पसंद करती है, शी लाइक्स ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, वह हर तरह के खेल को पसंद करती है। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड चीट ऑन यू, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड चीट यू, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो तुम्हें चीट करेगा।
मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो तुम्हें चीट करेगा, तब हम कहेंगे आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड चीट यू, हु वुड चीट ऑन यू. व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स आर अवेलेबल हियर, व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स आर अवेलेबल हियर, यहां पर किस प्रकार की मिठाइयां उपलब्ध हैं, यहां पर किस प्रकार की मिठाइयां मौजूद हैं. जब आप किसी दुकान में मिठाइयां खरीदने जाते हैं तब आप कह सकते हैं भाई साहब किस प्रकार की मिठाइयां हैं यहां पर, तब आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स आर अवेलेबल हियर, व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेस आर अवेलेबल हियर, यहां पर किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है. किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग इंक्वायरी करने गए तब आप ऐसा कह सकते हैं. थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड गिफ्ट्स, किसी ने आपको गिफ्ट्स की दिया, किसी ने आपको तोहफे दिए, तब आप कह सकते हैं थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड गिफ्ट्स, आपके ये बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या आपके काइंड गिफ्ट्स के लिए, बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों ये था इन काइंड, जिसका मतलब होता है इन द सेम वे, या होता है विथ समथिंग सिमिलर, या फिर पैसों में भुगतान न करते हुए हम लोग सर्विसेज में या चीजों में भुगतान करते हैं तभी हम लोग इन काइंड का यूज करते हैं. और दूसरा मैंने आपको बताया काइंड जिसका मतलब होता है दयालु, और तीसरा मैंने बताया काइंडली जिसका मतलब होता है मेहरबानी करके. तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के जो वर्ड्स थे, जो इसके मीनिंग्स थे, उसको अच्छे से समझिए और बोलने की कोशिश करें. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था लेकिन काम का टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसी प्रकार के मैं छोटे बड़े टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी दोस्तों. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करना है और प्रैक्टिस करने के बाद बोलने की कोशिश करना है. धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, आपके डाउट के साथ और मेरे डाउट के साथ. दोस्तों डाउट पूछना बंद नहीं करेंगे, मैं आपके डाउट का इंतजार करूंगा, और उसके बावजूद कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हो सके तो कम से कम दो वाक्य बनाएंगे इससे रिलेटेड. थैंक यू.